जो लास्ट पॉइंट मेरा जो था, जो कि मेरे को आप लोगों को सबसे ज्यादा बताना था, सो गुड इवनिंग गाइज, हेलो नमस्ते सत श्रीकाल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एज आई एम डूइंग। स्वागत है आप सबका छोरा जयपुरी के एक और अच्छे से वीडियो में, मगर ये वीडियो अभी का व्लॉग नहीं होने वाला है, ये वीडियो कुछ हटके है, कुछ सिखाने वाला हूँ जो मेरे को आता है। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ कि आपको क्या करने वाला हूँ, करने क्या वाला हूँ। ये पड़ा है मेरे साइड में गिटार, सो इसकी जैसा कि आप स्ट्रिंग्स देख सकते हो, अगर आपको दिख रही होगी तो ये खराब सी हो रही है कुछ, तो इसकी स्ट्रिंग्स एक तो चेक करेंगे, सॉरी सही है, एक तो इसकी स्ट्रिंग्स चेंज करेंगे, प्लस इसका पूरा क्लीन अप करेंगे आज। कहने को मिट्टी विट्टी जितनी भी इसके ऊपर चढ़ी हुई है, बहुत टाइम से बजाया भी नहीं था, सिस्टर बजाती है कभी कभार बजाती है, वो उसको ऊपर चढ़ा है शौक उसको सीखने का, तो अब इसको चलते हैं और इसको करते हैं सफाई। साथ में बने रहिए वीडियो में एंड तक, देखते हैं कि कहाँ तक ये पहुँचता है, कैसे पहुँचता है, अगर हमारे से सक्सेसफुली हो पाती है। अगर हमारा तरीका आपको ईजी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ट्यूनिंग इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ट्यूनिंग करना आती है मेरे को बट बजाना नहीं आता, इस चीज़ के ऊपर जज मत करना कि बजाना नहीं आता, बाकी पूरा काम मेरे को गिटार का करना आता है, ताकि यानी इसकी जो स्ट्रिंग्स वगैरह है वो चेंज करना और क्लीन अप वगैरह सारा काम मेरे को इसका एक्यूरेट आता है, जो भी आता होना चाहिए इसके अंदर। देन चलो करते हैं साफ सफाई, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ये पीछे से एक जुगाड़ पाती करके मैंने कुछ का ये लगा रखा है, इसको टांगने का, हैंग ऑन करने का वॉल के ऊपर, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं अभी। तो ये रहा हमारा गिटार का, जिस तरीके से कलर वलर्स बता देना कैसा है, वैसे ब्लॉग में बहुत बार देखा होगा पीछे से लगा हुआ रहता है बैकग्राउंड में कई बार, और इसकी एक स्ट्रिंग गायब भी है ये फर्स्ट वाली, सो इसको करते हैं चेंज, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो अभी बता देता हूँ कि हमारे को क्या क्या चाहिए इसके अंदर। साथ में एक एक क्लीन अप के लिए साबुन सोप लिक्विड में, और ये एक कपड़ा, पानी इसके ऊपर डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि लकड़ी है, हल्का हल्का सोप गीला वाला मार के इसके ऊपर इसको साफ करूंगा, ज़्यादा ना सोप ना पानी, क्योंकि लकड़ी है फूल सकती है, तो केयरिंग करनी बहुत ज़रूरी रहती है इसके अंदर। इसको साफ सफाई करेंगे, फिर इसकी एक एक करके पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स खोलूंगा, स्ट्रिंग्स खोलने के लिए साथ में प्लास होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इसका ओपनर मेरे पास है नहीं, तो इसका जुगाड़ अपन प्लास निकाला है वो भी आपको निकाल के दिखाएंगे कि इससे कैसे निकलती है, प्लस एक स्ट्रिंग का सेट चाहिए अगर आपको स्ट्रिंग्स बदलनी है, अगर स्ट्रिंग्स आपके पास है दैट्स ओके, मैंने अभी मंगाई थी और अमेजोन से मंगाई है तो वो मेरे पास रिसीव हो चुकी है। इसकी मैं खोल तो इसको चुका ही हूँ, दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से ये पैकिंग है अंदर। ये 6 स्ट्रिंग्स का सेट आया मेरे पास, इसके ऊपर की कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर खोलोगे तो इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे 3 2 1 करके, 1 2 3 करके ऐसे कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सेट का सेट पूरा है, इसको पूरे के पूरे को चेंज करेंगे, ये थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है, एक स्ट्रिंग है भी नहीं तो वो अपने पास अवेलेबल थी नहीं, और जो स्ट्रिंग्स ख़राब है वो भी अपने पास अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने पूरा का पूरा सेट मंगा लिया, तो इसको पूरा फ्लो बजाने के अंदर पूरा मजा आएगा इसको। तो लेट्स बिग इन, ओके। सो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो खोल लेते हैं, ताकि अपन को साफ सफाई करने में इसका ईजी रहे थोड़ा। अब खोलनी कैसे, इसको डायरेक्टली तो निकालेंगे नहीं अपन, इसको क्या करेंगे पहले यहाँ से लूज़ करेंगे, ये जो ये जो देख निकालने के लिए ये जो प्लास है हमारा, इसको अपन पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ तब तक, से इस प्लास को पकड़ के, अब जैसे ये जो नॉट है इसको, ये अपन ने की को पकड़ा इसकी और इसको खींच लिया बाहर इजिली से, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा सा
जैसा कि आप देख रहे हो, तो इसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। निकल चुकी है, इसको मैं अभी करूँगा पानी से साफ, और पानी और सोप के मिश्रण से साफ, सॉरी पानी नहीं पूरा लिक्विड, डायरेक्टली अपन पानी नहीं डाल सकते हैं, इसको पानी और सोप के पूरे लिक्विड से साफ करूँगा। देन उसके बाद में आपसे मिलते हैं इसकी क्लीनिंग करने के बाद। अभी देख लो कैसी हालत है, फिर बाद में दिखाते हैं कि मिट्टी मिट्टी ही जम रही है इसके ऊपर पूरी। तो इसकी अभी क्लीनिंग अब करेंगे, फिर देखते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, इसका क्लीनअप पूरा मार चुके हैं, जैसे कि देख रहे हो चमक रहा है बिल्कुल सही है, मिट्टी का 1% अब कण नहीं बचा इसके ऊपर। तो क्लीनअप इसका हो चुका है, इसके अंदर कुछ जली होती है वो बज रही है, माइंड मत करना, क्योंकि दिखा देता हूँ अगर खोल के, अगर मेरे को मिल जाती है तो मिल जाएगी। इसके अंदर जो बज रहा था सामान वो ये था, जो कि लकड़ी को कहते हैं ख़राब होने नहीं देती है, इसके अंदर बदबू नहीं होने देती, जेल टाइप का आता है वो था। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो बजने वाला हो। सो रेडी टू डू। बाकी अभी एक चीज़ की कमी है जो क्लीन नहीं हुई, वो ये है इसकी जो स्ट्रिंग्स को कैरी करती है इसके अंदर, ये जो इसके फिंगर्स हैं वो, इसको अपन थोड़ा सा सेट करते हैं। सेट करने के बाद में पहले धोएंगे इसको प्रॉपरली, फिर इसको अंदर सेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के साथ, वो भी दिखाएंगे आपको। चलो इसको पहले क्लीन अप कर देते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं। इसको रख देता हूँ मैं साइड में थोड़ा सा, ये आ गई मेरे हाथ में, ये मेरा क्लोथ जिससे मैं साफ कर रहा था। ये 666 इसको जेंटली रब कर लेंगे, ये प्रॉपरली क्लीन है, रेडी टू यूज। इतना ज़्यादा इसको साफ करने की ज़रूरत रहती नहीं है, ताकि क्योंकि गंदी भी ज़्यादा होती नहीं है, देख लीजिए अंदर ही रहती है, तो ये साफ है बिल्कुल प्रॉपरली। सही है, इसको अपन लगा देते हैं, फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ये जो अपना जी का जंजाल है ये थोड़ा सा साइड में कर देते हैं अपन, जिससे अपने सफाई करी थी। सो ये गया साइड में, ये मैं सारी सारी इधर रख देता हूँ साइड में। देन इसको उठाते हैं अपन वापस से, और पहली स्ट्रिंग से चालू करते हैं। हेयर मेंशन डेट की आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग ये रही, फर्स्ट स्ट्रिंग से चालू करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग दिख गई अपन को, इसको अपन ओपन कर लेते हैं। जस्ट करना क्या है, वेरी इजी इजी पैटर्न बताऊंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो कि हार्ड पैटर्न्स होते हैं वो अपन फॉलो नहीं करते। ये मेरा खुद का तरीका, मैंने देखा नहीं था इसको करने का तरीका सही, मगर मैंने खुद का निकाला है, सर्च किया था, वो मेरे को समझ में आया नहीं कि पता नहीं कौन कौन से लोग उपकरण यूज़ करते हैं, अपने पास इतना पैसा तो है नहीं फालतू को वेस्ट करने को। सो इसको अपन ये जैसे इसके अंदर टिक कर दी है अपन ने अंदर प्रॉपरली, देख लो ये इसके अंदर से टिक होके निकलती है। ये इस होल के अंदर जाएगा ऐसे टिस, ये फर्स्ट नंबर की स्ट्रिंग, प्लास प्लास से लेंगे और हल्की सी चोट मारेंगे ताकि ये अंदर घुस जाए प्रॉपरली, नॉट कि इतना जोर से कि कील टूटनी हो, हल्का सा जेंटली ठक करेंगे, बस इट्स इन। अब इसको यहाँ पे एक छेद आता है, ये भी दिखाई देता हूँ, छेद आते हैं इधर, ये 6 होल्स आते हैं स्ट्रिंग्स डालने के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, फर्स्ट छेद के अंदर घुसा देते हैं प्रॉपरली, ये रहा, देख लीजिए कैसे इसको बनाता हूँ या क्या करता हूँ। इसको यहाँ से सेट करके जेंटली बस सही, अब इस स्ट्रिंग के प्रॉपरली इसको होल में घुसाना है, स्ट्रिंग सेट जहाँ से अपन इसको ट्यून करते हैं इसके होल में घुसा देंगे, और इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे एज इट इज का एज इट इज गोल घुमा दो, नो ज़्यादा माथा फोड़ी न क्या, ये गोल घुमा दी और ये काम अपना खत्म, ये गोल घुमा दी अपन ने, ये गोल घूमते ही ये पूरी सेट। अब बस इसको करना क्या है अपन को, थोड़ा सा हल्का सा टाइट लेना है, हाँ इसको टाइट कर दो जेंटली ताकि ये बाहर ना निकले, ट्यून इसको अपन बाद में करेंगे, इसको हल्का सा अपन टाइट कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले दोबारा से,
यहाँ पर दूंगा हियर सेकंड स्ट्रिंग, जैसे कि आप देख सकते हो वही मेथड इन सारी स्ट्रिंग्स में लगेगा, आप देखते रहिए साथ में पता चल जाता हूँ सेम। सो स्ट्रिंग्स जैसा कि आप देख सकते हो बदल के हो चुकी है पूरी, ये जंजाल सा हो रहा है, इसका मैं तोड़ बताता हूँ, इसको अपन एक एक करके कट करेंगे। अगर कट करना हो सही है, मगर अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है, अगर दिखने में फंकी लुक अगर चाहिए तो आप ये रख भी सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो इसको आप हटा भी सकते हो विद द मदद ऑफ प्लास। ये जंजाल अभी पूरा हट चुका है यहाँ से, इसको अपन रब कर दिया कट कट करके। हाँ तो तरीका आपने पूरा देख ही लिया है कि इसको कैसे चेंज करना है स्ट्रिंग्स को, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपनों तक शेयर करें जिनको की ज़रूरत है, जो कि गिटार क्लासेस लेते हैं और उनको स्ट्रिंग्स बदलवाने कहीं जाना पड़ता है ताकि वो घर पर ही चेंज कर पाएँ इजीली मेथड से। और ट्यून करने का अगर वीडियो चाहते हो तो फिर से बोल देता हूँ कि एक बार कमेंट्स में बता देना, प्लस सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यार, शेयर करो वीडियो को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत टाइम हो चुका है, 1000 का जो पोल है वो जल्दी से जल्दी अपन को क्रॉस करना है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स और मेरे से चाहते हो ताकि जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर इम्प्रूव करूँ वो आप मेरे को बताइएगा। प्लस जो लास्ट पॉइंट मेरा जो था, जो कि मेरे को आप लोगों को सबसे ज़्यादा बताना था, स्ट्रिंग्स चेंज करना सबको सिखाता है, कोई चीज़ सारे लोग सिखा ही देते हैं, मेरे से अच्छे सिखाने वाले बैठे हैं, थिंक सो, बिकॉज मैं जो हूँ इस लाइन में नथिंग, आई थिंक सो आई एम नथिंग, बिकॉज मेरे को ना बजाना आता है ना कि खाली ट्यून करना और इसको चेंज करना ही आता है, गिटार का मेंटेनेंस ही आता है मेरे को थोड़ा बहुत। बाकी जो मेन पॉइंट मेरे को आपको बताना था इस पूरे वीडियो का जो एंड है वो इस बात से करूँगा कि ये जो गिटार की स्ट्रिंग्स का आपका जो जो कचरा होता है या जो फालतू स्ट्रिंग्स होती है जो टूटी हुई है जो चेंज करी हुई स्ट्रिंग्स होती हैं आपकी, वो आप कृपा करके जो पॉलीथिन आपकी आई है उसमें अच्छे से रैप करो, और जो जैसे मेरे पास इसकी है अमेजोन की एक पन्नी थी तो मैंने इसको इसके अंदर रैप कर देता हूँ, और इसको या तो मैं किसी ऐसी जगह पे डालूँगा कि ये किसी भी बच्चे या किसी भी जानवर के बीच में ना पहुँचे, सही है। देन सेकंड चीज, बाहर स्ट्रीट्स में कुल मिला के ना जाए ताकि खुली ना डोल पाए और इसको कोई भी स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट काउ इसको ना खा पाए या कोई भी पक्षी वगैरह इसमें ना उलझ पाए अगर कोई इसके ऊपर आके बैठता है, बिकॉज अगर वो अगर आप सोच लो कि अगर ये स्ट्रिंग अपन को उंगली में चुभ जाती है तो इसमें भी बहुत तेज़ दर्द होता है, मगर अगर जब वो पक्षी उसको खा लेगा या उसमें अटक जाएगा या कोई उसको जंतु या एनिमल जो भी होंगे बाहर के, स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट काउ बहुत सारे एनिमल्स बाहर घूमते हैं, अगर वो इसमें उलझ जाएंगे तो इनके लिए बहुत ज़िंदगी भर का झंझट हो जाता है, यानी मरने तक की नौबत आ जाती है। सो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस तरीके से पैक करके आप उनकी रीच से दूर रखें या फिर एक मिट्टी के अंदर गड्ढा बड़ा सा खोद के इसके अंदर इसको गाड़ दें ताकि किसी की भी रीच में आए, बच्चों तक को अगर हाथ में दोगे तो वो अपने हाथ काट लेंगे या आँखों में कहीं घुस जाएगी स्ट्रिंग, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत बारीक सी तारें होती हैं इन स्ट्रिंग्स की। सो आज के लिए इतना ऐसा ही रखूँगा, माना एंड में जो टॉपिक छेड़ा था वो थोड़ा सीरियस था मगर बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग बताते नहीं हैं, और जैसे मैंने अभी नोट किया देखो अभी तक भी मेरे को ये खैरियत पर नहीं है, मैंने पूरा जांचा है क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से पिंच हुई यार बात की अगर अपन इसको ऐसे फेंक देंगे, अगर इन स्ट्रिंग्स को अपन ने ऐसे फेंक दिया तो क्या होगा, क्योंकि अगर किसी की रीच में आ गई या किसी जानवर ने खा ली उसके अटक गई गले के अंदर या स्टमक के अंदर कहीं पर उसकी आँतों में कहीं फंस गई जानवर के, तो उसके लिए तो मुसीबत होगी ना, वो किसी को बोल पाएगा ना क्या, फिर अगर वो इधर से उधर तड़प के भागेगा दर में तो लोग उसको पागल घोषित करके पत्थर और मारते हैं। सो प्लीज़ ध्यान रखें, प्लीज़ इसको कीप रखें और सेफ रखें अपने पास में या इसको किसी गड्ढे वगैरह में डाल दें ताकि इसकी रीच से बाहर हो जाए, और सब सेफ एंड साउंड रहे यार, पहले से इतना क्राइसिस का माहौल चल रहा है कोरोना के कारण, इतनी सारी सावधानियाँ बरत के चलनी पड़ रही है, तो अब टाइम आ चुका है कि अपन थोड़ा सा सेफली और लेके चले क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है यार इस साल में, समझ में नहीं आ रहा यार किस ओर को जा रही है सारी चीज़ें, बिकॉज सब कुछ सही है मगर फिर भी सब कुछ गलत है, क्योंकि जो चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा डीप चल रहा है, अभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रही, एक तो बीमारियाँ ऊपर से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं भाई साहब, पता नहीं किस टाइप की लाइन चल रही है 2020 की, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी साल हमारे को आगे देखने को मिले, मैं नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। प्रे विद गॉड, जो लीगल फॉर्मेशंस होती हैं या जो लीगल एडवाइसेस जो भी सरकार की रहती हैं वो किसान के पक्ष में आए, बस यही चाहता हूँ कि एंड में जो किसान चाहते हैं वो हो जाए। आज की जो वीडियो है उसको इतना सही रखूँगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, डू वर्क हार्ड, कैच योर ड्रीम्स, बाय, बूम।
in the face. Tell me that you love me, even if it's